साथियों नमस्कार, कैसे हो। मैं हरि कृष्णा हिंदुस्तानी, पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आज के इस लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सोल्व करें वो साथियों हम जानने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है जो इंटरसेक्शन और यूनियन वाले हैं। ये डी यू ई टी सी यू ई टी, जो सी यू ई टी का भी नाम चेंज किया गया है, पहले सी यू सी टी होता था। आई आई टी जेम और सी एस आर नेट गेट, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना है। हालांकि इस माइक से आपके एक ही ईयरफोन में आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अभी अभी हमारा माइक वा कोई ले गया, वापस लेके नहीं गया, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। राइट साथियों, चलिए साथियों बोल क्या रहा है। ये इस प्रकार का सेट है, 1+1/n, 5-1/n, एन वेरी कर रहा है 1, 2, 3, 4। इस एन बराबर 1 ले लिया, एन बराबर 2 ले लिया, एन बराबर 3 ले लिया, और सब क्या क्या कर रहे हैं साथियों, यूनियन क्या कर रहे हैं, यूनियन। देन वो सेट क्या बनेगा वो अपने को पूछा है। राइट साथियों, आपके पास ऑप्शन गिवन है, देखो उठपटांग ऑप्शन गिवन है, यहां लिख सकता हूं, एक है 1, 5, 1, 5, ये क्लोज है यहां से, फिर यहां से ओपन है, यहां से क्लोज है, यहां से क्लोज है, यहां से ओपन है, और यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है। साथियों महाभारत है। देखो पूरा कंफ्यूज करने वाला है कि 1 ओपन होगा क्लोज होगा, 5 ओपन होगा या क्लोज होगा, या आपको चार ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। समस्या यह है कि सोल्व कैसे करें। तो साथियों सिंपल सा तरीका है, लाइन पे बना लो, ये लाइन रियल लाइन, ठीक है साथियों। एन इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया साथियों, देखो 2, ये रहा अपना 2, यहां क्या आ गया 4 आ गया, 2, 4। साथियों ये कौन सा बन गया, इसको मान लो A1, ये जनरल AN है, तो A1 कितना आ गया, ये क्लोज है साथियों, यहां तक देखना A1 आ गया क्लोज, यहां तक अपन ले रहे हैं यूनियन। A2 क्या आएगा, N इक्वल टू 2 रखा तो क्या आएगा, 1+1/2, 1+1/2 क्या आया 3/2। A2 क्या आया, ये 1 है, ये 3/2 है, यहां तक आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया मतलब सेट, है ना। और इधर 5-1/2 तो 4+1/2, तो 4+1/2 तो कितना हो गया, ये 5, 9/2, ये साथियों थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है साथियों। चलिए फिर साथियों इस प्रकार हम n को बढ़ाते जाएंगे, तो ये वाला ये किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, ये 1 की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और ये वाला साथियों किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, ये 5 की ओर कन्वर्ज कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट जा रहा है इधर वाला, ये जो इंटरवेल है, ये ओपन इंटरवेल इस टाइप से है, ये इंटरवेल है क्लोज ए बी साथियों, ये सीक्वेंस फॉर्म है ए एन बी एन, ये साथियों ए एन सीक्वेंस है, वो तो किधर की ओर जा रही है, ये 1 को कन्वर्ट कर रही है। ए एन इक्वल टू क्या है, ए एन इक्वल टू 1+1/n, ये तो किसको कन्वर्ट कर रही है, 1 को, और बी एन क्या है 5-1/n, ये किसको कन्वर्ट कर रही है 5 को। मतलब ये तो जा रहा है इधर की ओर ये सेट, तो और ये सेट जा रहा है किधर, किधर की ओर, इधर की ओर। आप इसको थोड़ा जियोमेट्रिकली देखने की कोशिश कीजिए लाइन पर लेकर के, ठीक है साथियों। तो A1 अपना इतना था, A1 इतना था, A2 कितना हो गया, A2 इतना हो गया, A3 भी आएगा, देखो A1 इतना था, A1 इतना था, A2 इतना हो गया, ठीक है। फिर A3 क्या हो जाएगा, A3 इतना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा हमेशा, राइट। किसकी ओर जाएगा, An 1 की ओर जाएगा, लेकिन 1 की ओर जाएगा, लेकिन 1 ओपन रहेगा साथियों यहां से। जब n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी An, तो साथियों क्या होगा, ये देखो ये ओपन होगा 1, ये होगा 4 साथियों। साथियों ये क्या है साथियों, ये इस टाइप की सीक्वेंस है जो BN है। AN तो क्या है, मोनोटोनी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉर्म से समझो, सीक्वेंस से समझ लो, लाइन पे ड्रॉ करके समझ लो। लाइन पे देखो A1 यहाँ, A1 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ था, A2 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, A3 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, A4 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, एंड सो ऑन। इधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर, ये 1 है, 1 की ओर। लेकिन 1 कभी भी सेट का पार्ट नहीं होगा साथियों, 1 कभी भी सेट का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये वाला 1+समथिंग है, ये जो इनिशियल पॉइंट है सेट का, अगर सेट ए बी है या ए एन बी एन है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा ए से कुछ ज़्यादा है। देखो ये क्या है, 1+1/n, मतलब 1 से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा है,
वन ही सेट का पार्ट नहीं है, वन से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। तो साथ ही वन ओपन रहेगा यहाँ, राइट। तो इधर वाला पॉइंट तो क्या मिल गया अपने को, वन ओपन मिल गया, ठीक है साथियों। तो ये वन ओपन हो गया, ठीक है। और उधर वाला पॉइंट क्या मिल गया, उधर वाला पॉइंट, इधर वाला, इधर वाला, ये देखो फाइव से कुछ घट रहा है, फाइव से कुछ घट रहा है, मतलब फाइव इसमें शामिल नहीं है, फाइव माइनस वन बाई एन, मतलब फाइव में से हमेशा कुछ घट रहा है। तो साथियों यहाँ फाइव भी क्या होगा, ओपन होगा, राइट। फोर लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, यूनियन है ना, हाँ फाइव भी ओपन रहेगा। तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा, ये एक बार समझ में नहीं आया होगा मानता हूँ, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए साथियों। ये सेट ये था अपने पास, ए वन आया था हमारे पास, क्या आया था, ए वन यही है ना, ए वन आया था टू फोर आया था, ए टू क्या आ गया, ए टू देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे, थ्री बाई टू, फोर प्लस वन बाई टू, मतलब नाइन बाई टू। ये तो इधर की ओर बढ़ रहा है और ये इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ेगा तो कहां तक आएगा, जब एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो लगभग वन चला जाएगा, वन। हालांकि वन इस सेट का कभी भी पार्ट नहीं होगा, वन पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन प्लस समथिंग है, वन प्लस वन बाई एन, अगर एन एक लाख ले लोगे, दो लाख ले लोगे, तो वन बाई एन क्या जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन समथिंग इस टाइप से, राइट। तो वन हमेशा इस सेट का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन लिमिटिंग केस में ये वन के क्लोज चला जाएगा, राइट। तो साथियों यहां से वन ओपन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इधर से क्या है फाइव, इधर से फाइव भी ओपन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो सबका यूनियन कर लेंगे, जब सबका यूनियन कर लेंगे तो अंदर वाला पार्ट तो पूरा आ ही जाएगा, राइट। सबका यूनियन करेंगे तो अंदर वाला पार्ट तो आना ही है, राइट साथियों। तो यूनियन कर लेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा अपने पास, ए ए, इसका सबका यूनियन लेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, और जो लिमिट लिमिटिंग वाला है, लिमिट ए एन, क्यों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यूनियन करेंगे तो बीच वाले पॉइंट तो आ ही जाएंगे, तो ये वाला इसका जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओपन वन एन ओपन फाइव। साथियों इसको लाइन पर समझने का कोशिश कीजिए इस सिक्वेंस से, कि ये सिक्वेंस वन की ओर कन्वर्ज कर रही है और ये वाला ये कर रहा है कन्वर्ज फाइव की ओर। तो साथियों वन फाइव इसका आंसर हो जाएगा, ओपन वन और ओपन फाइव। साथियों इतना तो क्लियर आपको भी पता है कि वन ये कॉमन सेंस से लगा सकते हो, कि देखो ये वन में हमेशा कुछ ऐड हो रहा है, वन प्लस समथिंग है, तो ये तो होगा हमेशा वन प्लस। अगर इसका यूनियन आएगा क्या आएगा, ए बी, तो साथियों ए तो हमेशा क्या होगा, ए तो वन से प्लस होगा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और बी फाइव में से हमेशा कुछ घट रहा है, तो बी लेस देन फाइव। तो साथियों ये इक्वल टू फाइव है भगा दो, ये इक्वल टू फाइव है भगा दो, ये इक्वल टू वन है भगा दो, वैसे कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, कोई गणित नहीं है इसमें, ठीक है साथियों। ये किसका था, यूनियन का था। अब एक क्वेश्चन हम इंटरसेक्शन का डिस्कस कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन और, बरोबर है। चलिए टू माइनस वन बाई एन, टू माइनस वन बाई एन, और थ्री प्लस, थ्री प्लस वन बाई एन। साथियों यहां ओपन है, ये साथियों ओपन ले लिया हमने, और साथियों यहां देखो एक क्वेश्चन यहां से और हो गया था, एक क्वेश्चन क्या हो गया, देखो इसका यूनियन क्या आया हमारे पास, ये क्लोज सेट है साथियों, वन बाई एन, सॉरी वन प्लस वन बाई एन और फाइव माइनस वन बाई एन, ये आर्बिट्री यूनियन था, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। यहां से क्या हो गया, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, देखो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। तो साथियों एक क्वेश्चन ये भी हो गया, राइट, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, साथियों लिख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरसेक्शन वाला है, इसमें ऑप्शन क्या है, टू थ्री है, ये टू थ्री है, ये टू थ्री है, ये टू ओपन है, थ्री क्लोज है, टू भी क्लोज है और थ्री भी क्लोज है, ए बी सी एंड डी, बरोबर है। चलिए साथियों इसमें क्या निकालना है, साथियों अपने को रेंडम सेट की होना, आर्बिट्री जनरल सेट, अपने को सबका इंटरसेक्शन निकालना है। पहले तो क्या कर रहे थे, सबका यूनियन ले रहे थे, लेकिन अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब जो सब में कॉमन हो। वही बात, एन इक्वल टू वन ले लो, एन इक्वल टू वन ले लो, तो ये हमारे पास ए एन क्या है, जनरल ए एन है टू माइनस वन बाई एन,
थ्री प्लस वन बाई एन। साथियों इस सीक्वेंस को देखना, टू माइनस वन बाई एन, इसको मैं लिख लूं ए एन बी एन। साथियों दो सीक्वेंस है ये, ए एन क्या है टू माइनस वन बाई एन, ये किसको कन्वर्ज करेगी, ये टू को कन्वर्ज करेगी, लेकिन हमेशा टू से कम होगी, मतलब जो भी इसका इंटरसेक्शन आएगा, अगर इसका इंटरसेक्शन आएगा ए बी, चलो बाद में देखेंगे अभी, राइट, ये किसको टू को कन्वर्ज करेगी, और बी एन है वो क्या है थ्री प्लस वन बाई एन, वो किसको कन्वर्ज करेगी, वो थ्री को कन्वर्ज करेगी। ठीक है साथियों, तो मतलब टू और थ्री वाला तो लपड़ा चल रहा है। अब समस्या ये है कि टू आएगा कि नहीं आएगा, इसके इंटरसेक्शन में टू आएगा नहीं आएगा, साथियों वही देखते हैं। अगर अपने को पता लग जाए टू अंदर आएगा, तो जो नहीं आ रहा है ये बोल रहा है टू नहीं आएगा ओपन होगा, ये बोल रहा है टू ओपन है, इसको भगा देंगे। ए वन क्या आएगा, ए वन टू माइनस वन वन, ये साथियों टू है, ये वन है, ये थ्री है। ए वन क्या आएगा, ए वन टू माइनस वन वन आ गया साथियों, ए वन आ गया, ओपन है ना, चलिए ये ओपन कर दिया मैंने। यहां से थ्री प्लस वन बाई एन फोर आ गया साथियों, ये पहला सेट आ गया। दूसरा सेट क्या आ रहा साथियों, ए टू क्या आ रहा है टू माइनस वन बाई टू, पहले टू में से एक घटाया था, अब टू में से हाफ घटाया है, ये साथियों अपना ए वन था, यहां वन थ्री बाई टू टू थ्री फोर, ये था अपना ए वन, ये है ए टू, इसी प्रकार ये क्या था, ये था बी वन, और थ्री प्लस वन बाई टू तो सेवन बाई टू, ये है बी टू। साथियों ए वन बी टू बी वन बी टू ये इधर की ओर अग्रसर है, और ए वन ए टू ये इधर की ओर जा रहा है, ये किधर की ओर जा रहा है, ये टू की ओर जा रहा है, ये थ्री की ओर जा रहा है। लेकिन साथियों देखो, हर सेट में, हर सेट में चाहे आप ए वन ले लो ए टू ले लो कोई भी ले लो, अगर देखो ए वन लोगे तो टू माइनस वन बाई टू, थ्री प्लस वन बाई वन, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, राइट, ये हमेशा ये वाला पॉइंट हमेशा, ये वाला पॉइंट हमेशा टू से छोटा रहेगा, मतलब टू के इस साइड में आएगा, ये टू है तो ये वाला पॉइंट हमेशा इस साइड में आएगा, बरोबर है। और ये कौन है, थ्री प्लस समथिंग है, ये वाला पॉइंट होगा वो हमेशा थ्री के इस साइड में आएगा, ये आएगा थ्री के इस साइड में, थ्री प्लस समथिंग है, बी एन हमेशा थ्री प्लस है, और ए एन, ए एन हमेशा क्या है वन माइनस टू माइनस है, ए एन हमेशा टू से छोटा है, और बी एन हमेशा क्या है थ्री से बड़ा है, ध्यान रखना बी एन हमेशा थ्री से बड़ा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें थ्री तो सम में होगा। साथियों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बी एन ये वाला टर्म साथियों हमेशा थ्री से बड़ा है, और ये वाला क्या है, ये हमेशा टू से छोटा है, तो ये तो आएगा टू के इस साइड में, और ये आएगा थ्री के इस साइड में, तो सब सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें टू भी आएगा और थ्री भी आएगा, तो टू और थ्री आएगा, तो साथ ही ऑटोमेटिक ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, ये हो गया। आप इसको लाइन पर साथियों आसानी से देख सकते हो, मैं यहाँ बोर्ड पर बनाऊंगा, आप जब खुद बनाओगे आप लेकर देखोगे ए वन यहाँ है ए टू यहाँ है, देखो फिर ए एन है ना इसके बगल में चला जाएगा, ये टू है इस, ये टू को टू पर तो नहीं जाएगा लेकिन टू के ही साइड में बैठ जाएगा, ये टू के ही साइड में बैठ जाएगा कौन, ए एन। इसी प्रकार थ्री के ही साइड में कौन बैठ जाएगा, बी एन। तो साथियों सबका जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन क्या आएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन बी एन, इसका साथियों इंटरसेक्शन क्या जाएगा, इसका इंटरसेक्शन जाएगा टू एंड थ्री, क्यों, ये इधर क्या है, ये इसके उधर टू की ओर कन्वर्ज कर रहा है, ये इधर थ्री की ओर कन्वर्ज कर रहा है, बरोबर है। ये साथियों लिमिट लगाना हर केस में पॉसिबल नहीं है, हर केस में लिमिट लगा करके आप इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, कोई सीक्वेंस इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, बरोबर है, लेकिन ये डिक्रीज भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन इस केस में क्या होगा, टू थ्री इसका आंसर आएगा, आप ग्राफ पर प्लॉट करके देख सकते हो, राइट साथियों, कि देखो टू इसमें हर सेट में टू आ रहा है, इसके एवरी सेट में जब एन वेरी कराते जाएंगे तो हर सेट में साथियों एन आएगा, सॉरी टू आएगा और थ्री भी आएगा, तो वैसे भी देख सकते हो कि टू माइनस समथिंग है मतलब हर सेट में टू कन्फर्म आएगा, थ्री प्लस समथिंग है मतलब थ्री प्लस समथिंग एंड पॉइंट क्या है, थ्री के बाद में शुरुआती पॉइंट क्या है, टू से पहले,
तो हर में सेट में टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, तो टू भी आएगा थ्री भी आएगा, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट साथियों? आशा करता हूँ थोड़ा सा देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करेंगे ना तभी समझ पाएंगे। लाइन पे विजुअलाइज कर लो या कॉमन सेंस क्या लगा लो कि हर सेट में कौन एलिमेंट आ रहा है, जिस ऑप्शन में वो नहीं आ रहा है उसको भगा दो। साथियों एक क्वेश्चन है, वन माइनस वन बाई एन और टू प्लस वन बाई एन, टू प्लस वन बाई एन इनका क्या ले रखा है साथियों? इनका ले रखा है इंटरसेक्शन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ऑप्शन है वन टू है, वन टू क्लोज, वन क्लोज टू ओपन, वन ओपन टू क्लोज, वन भी ओपन टू भी ओपन। साथियों वही बात, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरसेक्शन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन, और अपना ए एन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई एन टू प्लस वन बाई एन। साथियों इसको लाइन पर ड्रॉ करते हैं, वही बात, हर सेट में टू शामिल होगा इधर, सॉरी ये वाला पॉइंट है ए एन, ए एन ये क्या है बी एन। साथियों ये कौन है, ये वन है, ये साथियों टू है, ये टू है, ये वन है। साथियों ये ए एन है, इसका शुरुआती पॉइंट, ये हमेशा वन माइनस समथिंग है, वन माइनस समथिंग मतलब ये वन के इधर रहेगा हमेशा, और ये जो एंड पॉइंट है इसका ये क्या है, टू प्लस समथिंग मतलब ये टू के हमेशा इस साइड में रहेगा। जो बी एन है, बी एन हमेशा टू के ही साइड में रहेगा, ये बी एन है, बी एन इस लाइन है टू, इसके हमेशा इस साइड में रहेगा, मतलब हर सेट में वन भी आएगा टू भी आएगा। तो ये तो साथियों कॉमन सेंस है, इन सब का जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें टू भी आ रहा है, देखो टू प्लस समथिंग एंड पॉइंट इस मान लिया, इसका इंटरसेक्शन क्या है एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन क्या मान लिया हमने, ए बी मान लिया, सॉरी इनका इंटरसेक्शन जो भी मानेंगे उसमें क्या है साथियों, एन कुछ कुछ भी ले लो, एन वन टू थ्री फोर सब में क्या है, वन माइनस समथिंग है, शुरुआती पॉइंट है वो क्या है, वन से थोड़ा कम है, मतलब वन तो उस सब में आएगा, वन तो साथियों सब में आएगा, वन सब का हिस्सा होगा। इसी प्रकार ये क्या है ए एन बी एन है, राइट, इसी प्रकार टू प्लस समथिंग है एंड पॉइंट, मतलब बी एन इधर जाएगा, तो साथियों ये जो इंटरवेल लेंगे क्लोज इंटरवेल, इसमें टू भी आएगा और वन भी आएगा, चाहे एन इक्वल टू कुछ भी ले लो, तो साथियों इसमें वन भी आएगा टू भी आएगा, ये हो जाएगा। आप चाहे वैसे निकाल भी सकते हो इंटरसेक्शन लेकर के, ये वन है ये टू है, जब ए वन लेंगे, ए वन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, इधर वन लेंगे थ्री आ जाएगा, ए टू लेंगे वन माइनस वन बाई टू हाफ आ जाएगा जीरो हाफ। ये था अपना ए वन, ये था ए टू, ये था बी वन, ये था बी टू। इसी प्रकार साथियों देखो ये वाला पॉइंट तो जा रहा है किधर की ओर, टू की ओर, ये तो इधर की ओर जा रहा है, और ये वाला किधर की ओर जा रहा है, ये वन की ओर जा रहा है, ये वन है। साथियों जब इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला क्लोज इंटरवेल है, ये सब में कॉमन होगा, ये पॉइंट इधर की ओर जमा होते जाएंगे, जब एन इक्वल टू इन्फिनिटी कर देंगे ये वाले पॉइंट इधर की ओर जमा हो जाएंगे, किस किस के बगल में, टू के राइट हैंड, टू के साइड में। साथियों इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, वन टू। ये साथियों विजुअलाइजेशन करने का टेक्निक है, इसको विजुअलाइज करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर इसका यूनियन ले ले तो यूनियन ले लेंगे ना, तो यूनियन में तो हो जाएगा इधर का लास्ट का पॉइंट ले लो, यूनियन में क्या हो जाएगा, यूनियन में देखो ये पॉइंट है, ये जीरो है, ये थ्री है, ये भी इसका पार्ट है, और जो ए टू थ्री लेंगे वो तो सारे अंदर ही आ रहे हैं, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, जीरो थ्री। इसका यूनियन लेंगे मतलब इधर का लास्ट पॉइंट ले लो और इधर का लास्ट पॉइंट ले लो, ठीक है ना। एन क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, ये इंक्रीज कर रही है इधर की ओर और ये डिक्रीज कर रही है इधर की ओर, तो ये इधर की ओर कन्वर्ट करेगी, ये इधर की ओर, तो इसको यूनियन होगा, वो लास्ट पॉइंट है शुरुआती और एंड पॉइंट है जो ए वन है, उसी के पॉइंट आ जाएंगे साथियों। क्यों, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में साथियों क्या होगा, देखो ये मैं दूसरे टाइप से भी इसको समझा सकता हूँ आपको। ए वन है वो क्या है, वन माइनस वन बाई, इसको दूसरे टाइप से भी समझने की कोशिश कीजिए साथियों, एक तरीका और है मेरे पास,
ए एन क्या था हमारे पास, 1 माइनस 1 बाई एन, 2 प्लस 1 बाई एन। ए वन क्या है साथियों, 0, 3। ए टू क्या है, ए टू है 1 बाई टू, 1 बाई टू और 5 बाई टू। ए थ्री क्या है, 2 बाई थ्री, 7 बाई टू। कर लिए, देख सकते हो यहां से ए वन कंटेंड कंटेन ए टू कंटेन ए थ्री कंटेन ए फोर एंड सो ऑन। राइट साथियों, ए वन है, ए एन है, वो ए एन माइनस वन में कंटेन है, वो इधर वाले में कंटेन है, ए टू ए वन में कंटेन है, ए थ्री इसमें कंटेन है। राइट साथियों, तो यूनियन ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, ये सारे ए वन में कंटेन है तो ए वन आ जाएगा, तो इसका यूनियन ए वन क्या आएगा, 0, 3। इसी प्रकार साथियों इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसी प्रकार इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एन फ्रॉम 1 to ∞ ए एन इक्वल टू क्या आएगा, ये साथियों आएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन। राइट साथियों, और लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या आएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन, 2 प्लस 1 बाई एन, बरोबर है। और ये क्या आ जाएगा साथियों, ये आएगा 1 एन 2, बरोबर है। इन सब का इंटरसेक्शन 1 माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से हमेशा कम रहेगा तो 1 इसके में शामिल हो जाएगा, ये 1 हमेशा 2 से ज़्यादा रहेगा तो 2 इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसी प्रकार इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल कर भी देख सकते हो, यूनियन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ए वन सबसे बड़ा है तो ए वन ही हो जाएगा। राइट साथियों, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आया आपके साथियों आसानी से लगा सकते हो, मैंने 3 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ आपको इसको लाइन पर ड्रॉ करके या ऑप्शन भगा करके देख सकते हो, हर सेट में इधर वाला एलिमेंट कौन सा है, हर सेट में इधर वाला एलिमेंट कौन सा है, इसको लाइन पर ड्रॉ करके भी देख सकते हो रियल लाइन पर, और वैसे एन के प्रकरण कैसे भी देख सकते हो, क्वेश्चन लगना चाहिए, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।